नमस्कार दोस्तों, टेलीपैथी के बारे में एक सवाल हमारे YouTube व्यूअर ने किया है। टेलीपैथी या मेंटल मैसेजिंग जिसको कहते हैं, ये क्या होती है और कैसे मैं किसी के माइंड पे अपना मैसेज भेज सकता हूँ मेंटली, इस बात का जवाब मैं आपको यहाँ पर देने जा रहा हूँ। और ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें कि आपके मन में भी सवाल था, जरा लिख कर बताएंगे कि आपने भी कहीं ना कभी सोचा होगा कि काश मुझे कोई ऐसी टेक्निक पता चल जाती कि मैं सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में अपनी बात डाल देता, तो डेफिनेटली ये टेक्निक आपके लिए है। इस आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से मैं संजीव मलिक, एक लाइफ कोच होने के नाते इस तरह के सवाल हमारे सामने बहुत आते रहते हैं दोस्तों, जहां पर लोग कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति को मैसेज देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि वो मुझसे बात करे, हमारे रिलेशनशिप में कोई इशू है या फिर किसी भी कारण से हमारे बीच में एक हेल्दी पार्टनरशिप हो जाए, एक हेल्दी बातचीत होने लगे, कुछ गड़बड़ चल रही है जो ठीक हो जाए इस तरह से। कभी कभी कुछ लोग अन्य मैसेजेस के लिए भी कहते हैं, तो मैं यहाँ पर एक बार बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आप किसी के दिमाग पर कोई ज़बरदस्ती का मैसेज लाद नहीं सकते। याद रखिएगा, मतलब कि कोई ऐसा मैसेज जिसमें उसका नुकसान हो, अगर ऐसा कोई भी मैसेज कि भाई तुम मेरे साथ कोई ऐसी डील कर लोगे जिसमें तुम्हारा नुकसान हो जाए, मेरा फ़ायदा हो जाए, ऐसा कोई भी गलत काम इससे आप नहीं करेंगे। बात अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, केवल और केवल ऐसा काम जिसमें सामने वाले का भी पॉजिटिव हो, फ़ायदा हो और आपको भी अच्छा लगे, ऐसा काम आप कर सकते हैं। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ मेंटल मैसेजिंग या टेलीपैथी कैसे की जाती है। तो सबसे पहले पहला स्टेप इसके लिए है कि आप अपने मन को बिल्कुल शांत कर लेंगे। जो भी टेक्निक आप लगाना चाहें, चाहे इसमें आप ब्रीदिंग टेक्निक लगा सकते हैं, मेरी एक 5-5-5-5 ब्रीदिंग टेक्निक बोलते हैं उसको, 5 सेकंड में इनहेल, 5 सेकंड होल्ड, 5 सेकंड में एक्सहेल और 5 सेकंड फिर होल्ड, ऐसे करके 20 सेकंड का एक आप ब्रीदिंग पीरियड होता है। इसको आप कुछ देर करें, कम से कम ऐसा 3 से 4 मिनट तक करें जिससे मन शांत हो जाए, या आप योग निद्रा कर लें, या आप फास्ट ब्रीदिंग यानी भस्त्रिका प्राणायाम कर लें, या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज, शवासन में लेटकर आप बड़े प्यार से अपने आप को रिलैक्स कर लें एक बार, या लेटकर भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं। एक बार मन आपका बिल्कुल शांत हो जाए और आप अपनी आत्मा को फील करें, आप अपने आप को बार बार कहें कि मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, और मैं अपने मन से बहुत ऊपर हूँ, मैं जो भी काम करने जा रहा हूँ, करने जा रही हूँ, पूरी तरह से मेरे और सामने वाले की भलाई है, इसलिए मेरे इस काम को स्वीकार किया जाए। यूनिवर्स को ऐसा मैसेज आप दे रहे हैं, राइट, और एक प्रेयरफुल होकर करना है इसको। पहले आप अपनी बात क्लियर कर ली, मन को शांत कर लिया, पहला लेवल। दूसरा, आप प्रेयरफुल हुए, आपने अपनी बात यूनिवर्स से परमिशन ले ली, इस बात के लिए यूनिवर्स से इस बात के परमिशन ले ली कि मैं इस बंदे को मेंटल मैसेज देने जा रहा हूं, प्लीज मेरी इसमें हेल्प करना, आपने यूनिवर्स को मैसेज दे दिया। तीसरी बात, अब आप उससे कनेक्शन बनाएंगे, ये होगा सोल टू सोल लेवल कनेक्शन। अब इसी के लिए, जैसे मैंने कहा, पहले अपने आप को फील करें कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये हाथ पैर मेरे नहीं हैं, मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हूँ और मैं अपनी और इस व्यक्ति की भलाई के लिए ये मैसेज इसको देने जा रहा हूँ। उदाहरण के लिए, आप किसी को शराब छुड़वाने का मैसेज दे सकते हैं, आप किसी को कोई गलत आदत छोड़ने का मैसेज दे सकते हैं, आप किसी को कोई कॉल बैक करने का मैसेज देता है, किसी का बच्चा घर से चला गया और वो लौट नहीं रहा, तो उसको मैसेज दे सकते हैं कि आप कॉल बैक करो। ऐसा कोई भी मैसेज जो आप उसकी और अपनी सबकी भलाई हो, ऐसा कोई भी मैसेज आप चुन सकते हैं। तो वो मैसेज आपने अपने दिमाग में क्लियर कर लिया है, तो अब आप क्या करेंगे, तीसरा स्टेप, जब आप रिलैक्स हो चुके हैं, आत्मा के लेवल पर आ चुके हैं, अब आपने तीसरी बात, अगली जो बात करनी है वो है उस व्यक्ति को इमेजिन करना और स्पेशली उसकी आंखों के सेंटर में यहाँ पर देखना। आप मेंटली उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाएंगे और ये क्लियर कट करके कहेंगे कि इस व्यक्ति के साथ, जिसका चेहरा मैं अपनी आंखों के इनर आईज के सामने देख रहा हूँ, इस व्यक्ति को मैं ये मेंटल मैसेज देना चाह रहा हूँ, ये मैसेज इस तक पहुँच जाए। ऐसा कह के आप एक मेंटल कनेक्शन फील करेंगे, एक वाइट लाइट जो आप दोनों को आपस में कनेक्ट कर रही है, आपकी थर्ड आई को उस व्यक्ति के थर्ड आई से कनेक्ट कर रही है, ऐसा फील करें। और उसके बाद एक बार आपको एक कनेक्शन फील होने लगे कि जैसे आप कहीं ना कहीं अंदर से डीपली कनेक्टेड फील कर रहे हैं, तो जैसे ही आपको ऐसा फील होगा तो आपके थर्ड आई के ऊपर एक सेंसेशन होने लगेगी, एक पल्सेशन होने लगेगी, वो एक टाइप का इंडिकेशन है कि आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है। आप शुरू शुरू में प्रैक्टिस करने के लिए ना इसे सिंपल सिंपल छोटे छोटे मैसेज भेज के दे सकते हैं। जैसे आप सिंपली किसी को कह सकते हैं कि आपको प्यास लग रही है, जाके पानी पी लो, ऐसी छोटी सी बात। और फिर आप अगर उस व्यक्ति को जानते हैं तो फोन करके कंफर्म भी कर सकते हैं कि आपको प्यास लगी थी क्या। ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करने से आपका मन बिल्कुल दृढ़ हो जाएगा, पक्का हो जाएगा कि हाँ ये काम करता है, एंड इट वर्क्स सो वंडरफुली।
और फिर अब जब बात आती है आपको रियल मैसेज भेजना है, तो आप अब अपनी बात को कहें, जैसे मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, अब यहाँ पर आप अपनी बात को कह रहे हैं, आप कह रहे हैं उस व्यक्ति को कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे अभी 5 मिनट के अंदर अंदर कॉल बैक करें। आप इस बात को रिपीट करेंगे, कितनी बार रिपीट करेंगे, कम से कम 11 टाइम रिपीट करेंगे। कहिए कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगले 5 मिनट के अंदर अंदर आप मुझे कॉल बैक करेंगे, अगले 5 मिनट के अंदर अंदर आप मुझे कॉल बैक कर रहे हैं, अगले 5 मिनट के अंदर आप मुझे कॉल बैक कर रहे हैं और हम बात करें, आप बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ, ऐसा मैसेज आपने दिया। और फिर देखिए कि वो व्यक्ति आपको कॉल बैक करता है या नहीं करता। डेफिनेटली करेगा, डेफिनेटली करेगा, भरोसा कीजिए इस बात पर। एक बार नहीं, हमने इसको सैकड़ों बार आजमाया है, भरोसा कीजिए काम करती है टेक्निक, बहुत प्यार से काम करती है। तो ऐसे करके आपने मेंटल मैसेज दिया, याद रखिए, उसके बाद एक बार आपने मेंटल मैसेज दे दिया और फिर आप वेट करेंगे कि ये व्यक्ति आपको मेंटल मैसेज जब आपको रिसीव उसको हो जाएगा तो ये आपको कॉल बैक करे। जब ये पूरा सिस्टम कंप्लीट हो जाए तो मेंटली अपना कनेक्शन इस चीज़ से कट कर दें, मतलब आप कनेक्टेड ना रहें और आपकी ऊर्जा उस व्यक्ति के साथ अननेसेसरी कनेक्टेड ना रहे। ये है सिंपल कंप्लीट प्रोसेस जो मैंने आपको बताया। इसमें 2-3 बातों का यही ख्याल रखेंगे, इसमें किसी भी तरह का कोई गलत, किसी का नुकसान करने वाला मैसेज आप नहीं डालेंगे। दूसरी बात, आप अपनी बात को सिर्फ एक बार रिपीट करेंगे, एक ही बात को रिपीट करेंगे, 25 बातें नहीं बोलेंगे, एक ही बात को रिपीट करेंगे। अगर आपको अपनी बात कहनी है तो आप 11 बार उसे रिपीट कर सकते हैं कि आप मुझे कॉल बैक कर रहे हो, 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 कॉल बैक कर रहे हो। बस इतनी सी बात आपने दिमाग में बिठा ली, मन एकाग्र हो जाए। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी 11 बार, 3 बारी में बात बन जाएगी, लेकिन मन में एकाग्रता जरूर होनी चाहिए, मन में कोई और फालतू के विचार ना आए। जितना ज़्यादा आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी ना, इस टेलीपैथी की इसकी पावर बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसा आप करके देखें, बहुत ही पावरफुल चीज़ है और बड़े प्यार से सामने वाले के माइंड लेवल पर ये बात पहुंच जाती है, सोल लेवल पर बात पहुंच जाती है। सबसे उत्तम बात यह है कि सोल लेवल पर आप चीज़ों को प्रभावित कर सकते हैं। आप इसके द्वारा जन कल्याण का मैसेज भी डाल सकते हैं कि आज से आप रोज़ मेडिटेशन करोगे। हम ऐसे पता नहीं कितने लोगों को मैसेज डालते हैं कि इनकी आत्मा के अंदर ये चीज़ जागृत हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी ऐसा प्रयास करेंगे, जनता का कल्याण करें, सबका भला मांगें, सबको मेंटल मैसेज दें कि सब लोग मेडिटेशन करें। याद रखना, केवल जन कल्याण हेतु ये कार्य आप सबके लिए कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, मुस्कुराते रहिए, आनंदित रहिए। थैंक यू।